अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ कच्चे आलू से बनने वाली एक बेहद मजेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो फिर बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने आलू लिए हैं जो कि मैंने 500 ग्राम लिए हैं, इसका छिलका मैंने उतार लिया है। तो अब हमें इसे ग्रेट करना है। तो बारीक वाला ग्रेटर हमें यूज़ नहीं करना है, मोटा ग्रेटर जो होता है वो यूज़ करना है हमें, उससे हमारे जो लच्छे हैं वो बड़े और मोटे निकलेंगे। तो ये सारे आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं, तो अब हमें इसे फौरन पानी में डाल देना है। अगर इसे ज़्यादा देर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर ये काले पड़ जाते हैं, इसे हम फौरन पानी में डाल देंगे। तो ये जो आलू के लच्छे हैं इसे हम 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, इसे वॉश कर लेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो स्टार्च होगा वो भी निकल जाएगा। और फिर इसे पानी से अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो इस तरह से दबाते हुए हमें इसका पानी निचोड़ना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसे निकाल कर हम डाल देंगे किसी दूसरे बर्तन में। तो चलिए, ये सारे आलू हमने पानी से निकाल लिए हैं। तो अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। तो ये देखिए, ये 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। और ये थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन का। और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है चिली फ्लेक्स, जो कि मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून सूखा साबित धनिया लिया है, इसको हमें हाथों से इस तरह से क्रश कर लेना है। और ये फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है। और ये 1 टीस्पून मैं इसमें ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। चलिए, ये मैदा हमने ऐड कर दिया, तो अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा राइस फ्लोर चावल का आटा ले लिया है, तकरीबन ये भी मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। चावल का आटा हम इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए ऐड कर रहे हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा दें। तो जैसे कि हमने इसमें मैदा 2 खाने के चम्मच ऐड किए हैं, तो आपको इसे बढ़ाकर 4 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं। और फिर बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों को, और इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और यहाँ देखिए ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे। तो इसे ऑयल में डालने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब ये एक साइड से हो जाएंगे फ्राई, थोड़े ये हार्ड हो जाएंगे, तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो चलिए, ये हो गए हैं एक साइड से फ्राई, तो हमें इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और जब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमारे कच्चे आलू के मजेदार पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, इसे हम निकाल लेते हैं ऑयल से, और इसी तरह से हमें बाकी के भी फ्राई कर लेने हैं। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह हमारे कच्चे आलू के मजेदार पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे केचप या फिर अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और मजेदार रेसिपी के साथ, पर इनको दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।